नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अक्टूबर में हो सकती है जाति जनगणना की घोषणा। बिहार में अगले महीने से होगी धान की खरीद। स्टेट कोटा के सीटों पर काउंसलिंग के लिए शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। आज राम मनोहर लोहिया की 55वीं पुण्यतिथि। टीम इंडिया वर्ल्ड कप स्क्वाड पर बोले ब्रेटली। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी में एक ही परिवार के 3 बच्चे सफल। बिहार लोक सेवा आयोग की 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। दरभंगा के एक परिवार के 3 बच्चों के सफल होने के बाद परिवार में खुशी की लहर है। सबसे बड़ी बात है कि तीनों बच्चों में 2 ने पहली बार में ही सफलता हासिल की है, वहीं एक लड़की ने दूसरी बार में सफलता हासिल की। बता दें कि सिप्रा, नेहा और अनंत दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड के नौडेगा गाँव के एक ही परिवार के रहने वाले हैं। नौडेगा गांव निवासी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और मैराथन धावक रह चुके सुरेंद्र लाल देव एवं आभा देवी की 2 बेटियों को सफलता मिली है। सिप्रा और नेहा के अलावा इसी परिवार के अजय कुमार के बेटे अनंत कुमार ने भी सफलता हासिल की है। स्टेट कोटा के सीटों पर काउंसलिंग के लिए शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। एमसीसी के अनुसार स्टेट कोटे की एमबीबीएस प्रथम वर्ष व अन्य समकक्ष कोर्सेज में प्रथम वर्ष के लिए काउंसलिंग 17 से शुरू होकर 3 चरणों में 16 दिसंबर तक प्रस्तावित है। काउंसलिंग के पहले राउंड की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू होकर अलॉटमेंट तक की प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं इसके दूसरे चरण की प्रक्रिया 7 से 18 नवम्बर तक चलेगी। अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 21 नवम्बर होगी। इसके बाद मॉपअप 6 से 12 दिसंबर तक होगा। बता दें कि 17 से 18 अक्टूबर से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार में अगले महीने से होगी धान की खरीद। बिहार में धान खरीद का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सरकार ने राज्य भर में खरीफ सत्र 2022 से 23 में समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। बता दें कि 1 नवंबर से उत्तर बिहार और 15 नवंबर से दक्षिण बिहार में धान की खरीद शुरू होगी। बिहार में अभी 8463 पैक्सों में धान खरीद होगी। इसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। धान खरीद संबंधित दिशा निर्देश की जानकारी देते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 से 23 में धान की सामान्य श्रेणी के लिए 2040 रुपए और ग्रेड ए के लिए 2060 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है और इससे संबंधित गाइडलाइंस सभी जिलों को जारी कर दी गई है। अक्टूबर में हो सकती है जाति जनगणना की घोषणा। जाति जनगणना को लेकर जिला प्रशासन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आधिकारिक घोषणा करेगा और 1 नवंबर से जनगणना कार्य आरंभ हो जाएगा। बता दें कि पहले चरण में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संसाधनों की तैयारी होगी, उसके बाद सेक्टर आधारित कार्य को जमीन पर उतारा जाएगा। जाति जनगणना के लिए नोडल पदाधिकारी जिलाधिकारी होंगे जो जिले में जाति जनगणना कराने के लिए कोषांग का गठन से लेकर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने व प्रभार देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही यह जनगणना राजस्व विभाग के अधीन ही कराया जाएगा। जाति जनगणना कार्य को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा कराया जाएगा। इसमें जनगणना कार्य करने वाले कर्मी जहां भी जाएंगे वहां से सीधे डाटा ऐप में अपलोड करेंगे और ऐप के माध्यम से डाटा जिला समेत राज्य तक पहुंच जाएगा। दिवाली छठ से पहले बढ़ी टिकटों की कालाबाजारी। बिहार में त्योहारों का सीजन आते ही रेलवे टिकटों की अवैध खरीद बिक्री का खेल भी शुरू हो गया है। दिवाली और छठ से पहले पटना में आरपीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि राजधानी पटना सहित कई जिलों से अवैध रूप से ई टिकट बनाने वाले गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया है। इन गिरोहों के पास से करीब 10 लाख रुपए के ई टिकट और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं आरपीएफ ने एक दलाल को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 8 लाख रुपए के टिकट बरामद किए गए हैं। ये सभी टिकट तत्काल और सामान्य श्रेणी में आरक्षण के हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात। बिहार में गंगा, गंडक, घाघरा और सरयू जैसी नदियों में बेमौसम बाढ़ के हालात है। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से केवल 17 सेंटीमीटर दूर रह गया है। बता दें कि बिहार के सिवान, गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर आदि जिलों में नदियों के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के हालात है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर लगातार वृद्धि जारी है। सोमवार को गांधी घाट पर खतरे के निशान से मात्र 35 सेंटीमीटर नीचे था। मंगलवार को 26 सेंटीमीटर बढ़ोतरी हुई है। खतरे के निशान से मात्र 17 सेंटीमीटर की दूरी अब रह चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बक्सर से कहलगांव तक गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है।
आज राम मनोहर लोहिया की 55वीं पुण्यतिथि। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी आंदोलन के महानायक राम मनोहर लोहिया की 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कंकड़बाग स्थित लोहिया पार्क में लोहिया जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसे सिंह, परिवहन मंत्री शीला मंडल, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के साथ कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग जेपी और राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं, उनके कदमों पर आगे बढ़ते हैं। लोहिया जी का भाषण सुनने के लिए हम लोग आते थे और जब छोटे थे तो अखबारों में भी इनके बारे में पढ़ते थे। इनकी तो बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई, लेकिन इनके विचार अभी लोग जानते हैं। इन पार्कों में छठ व्रती दे सकेंगे सूर्य को अर्ध। पटना नगर निगम छठ व्रतियों के लिए खास इंतजाम करने जा रहा है। पटना के करीब 22 पार्कों में छठ व्रतियों के लिए अर्घ देने की सुविधा बहाल की जाएगी। सबसे अधिक कंकड़बाग में 14 पार्कों में अर्घ देने की व्यवस्था होगी। पार्क प्रमंडल की ओर से पार्कों का निरीक्षण करने के बाद जल्द फाइनल लिस्ट नगर निगम को सौंपी जाएगी। पार्कों में बने तालाबों में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अर्घ देने के लिए जुटते हैं। पार्कों में छठ व्रतियों की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम व लाइटिंग की व्यवस्था नगर निगम के सहयोग से किया जाएगा। जिन पार्कों में अर्घ देने की सुविधा होगी उनमें शिवजी पार्क, मैकडोवल पार्क, एजी कॉलोनी पार्क, पुनाईचक पार्क, 100 MIG पार्क सहित किशोर पुनाल पार्क सहित कुल 22 पार्क शामिल हैं। पवन सिंह स्टारर फिल्म हमार स्वाभिमान का ट्रेलर जारी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म हमार स्वाभिमान का ट्रेलर जारी कर दिया है। मुंबई में हुए एक भव्य कार्यक्रम के दौरान इसे रिलीज किया गया। यह फिल्म इस छठ पूजा पर 28 अक्टूबर से सिनेमा घरों में देखी जा सकेगी। इस मौके पर पवन सिंह ने कहा है कि यह फिल्म हमार स्वाभिमान एक बेहतरीन फिल्म है। यह सिर्फ कहानी नहीं भोजपुरी जगत के स्वाभिमान को बढ़ाने वाली फिल्म है। इसलिए हम भोजपुरी के दर्शकों से आग्रह करेंगे कि वे छठ पूजा के अवसर पर छठी माई के आशीर्वाद के साथ इस फिल्म को सब परिवार देखने जरूर जाएं। केंद्र की मोदी सरकार को जदयू ने दी चुनौती। बिहार में भाजपा और जदयू एक दूसरे पर हमला करने का मौका नहीं गवाती है। एक बार फिर जदयू ने भाजपा को करारा जवाब दिया है। बता दें कि भाजपा ने जदयू की चुनौती दी है कि वह अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा करके देख ले, पता चल जाएगा। जिस पर अब जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि 2025 को छोड़िए, मैं भाजपा और मोदी सरकार को चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत है तो लोकसभा चुनाव की पहले घोषणा करके दिखाएं, सारी हकीकत पता चल जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले 2024 का इलेक्शन होना बाकी है, फिर 2025 का इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में होने वाले 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उन सीटों पर महागठबंधन का कोई भी प्रत्याशी हो उनकी जीत सुनिश्चित है। सीएम नीतीश का अमित शाह पर पलटवार। राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राम मनोहर लोहिया की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसकी राजनीति ही एक साल पहले शुरू हुई उन्हें देश का इतिहास क्या पता होगा, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। सीएम ने कहा कि जयप्रकाश नारायण के बारे में इन लोगों को क्या पता है, इन लोगों को सत्ता में बैठने का मौका मिल गया है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नागालैंड में जयप्रकाश जी की जयंती पर वहां के लोगों ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था जो मुझे काफी अच्छा लगा। इलाज के लिए सिंगापुर पहुंचे लालू यादव। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंच चुके हैं, जहां इन्हें रिसीव करने के लिए उनकी बेटी रोहिणी आचार्य वहां मौजूद थी। दरअसल लालू कई बीमारियों का इलाज कराने के लिए मंगलवार को ही सिंगापुर रवाना हुए थे। इससे पहले उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था। बता दें कि सिंगापुर में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य रहती है। बीते दिन मंगलवार की शाम वे दिल्ली से परिजनों के साथ साथ पार्टी नेताओं और सेवकों की टीम के साथ सिंगापुर के लिए रवाना हुए थे। लालू परिवार का मानना है कि इलाज के सिलसिले में सिंगापुर में लंबे समय तक भी रहना पड़ सकता है। कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई दिवाली के बाद। बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह विधान परिषद कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब किया है। अग्रिम जमानत की याचिका पर जस्टिस सुनील कुमार पवार ने सुनवाई की। अब इस मामले पर दिवाली के अवकाश के बाद सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले पूर्व कानून मंत्री को 30 सितंबर को दानापुर कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन उस दिन सुनवाई टल गई थी। बता दें कि कार्तिकेय सिंह ने 16 अगस्त को नीतीश कुमार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद उन्हें नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बनाया था, लेकिन वे अपहरण के एक पुराने मामले को लेकर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से विवादों में थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय वापस ले लिया था। टीम इंडिया वर्ल्ड कप स्क्वाड पर बोले ब्रेट ली, 15वें खिलाड़ी के बिना
टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, जहां टीम अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ खेलकर करेगी। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज और दिग्गज क्रिकेटर ब्रेटली ने टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उमरान मलिक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। मेरा मतलब है कि जब आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट कार है और आपने उसे गैरेज में छोड़ रखा है, तो आपके पास उस कार के होने का क्या मतलब। उमरान मलिक को भारतीय T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में चुना जाना चाहिए, उन्हें ऑस्ट्रेलिया से लाना चाहिए जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले में फर्क होता है। पूरे बिहार में आज तेल के दाम, तेल कंपनियों ने बिहार के कई जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। पटना, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, हाजीपुर, बेतिया समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल बुधवार को महंगा हो गया है। हालांकि गया और मुजफ्फरपुर समेत कुछ शहरों में तेल की कीमतों में हल्की गिरावट आई है। पटना में पेट्रोल के रेट में 35 पैसे और डीजल में 32 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। पूर्णिया में पेट्रोल 6 पैसे और डीजल 5 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। भागलपुर में पेट्रोल के भाव में 20 पैसे और डीजल में 19 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अररिया, अरवल, बांका, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, समस्तीपुर, हाजीपुर और बेतिया में भी तेल के दाम बढ़ गए। हालांकि मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत में 7 पैसे और डीजल में 6 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई। गया में पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हो गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू कुमार, धनंजय सिंह, के सिन्हा, राकेश शर्मा, सरिता पासवान, कृष्णा दुबे, भान प्रकाश मौर्य, राबिया बासरी, अखिलेश यादव, मृत्युंजय कुमार, जुगेश कुमार, शंकर मुखिया, मनोज कुमार, उमेश ऋषिदेव, ससियार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार आपके आसपास के क्षेत्रों में धान की खेती कैसी हुई है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।